जो टीम इंडिया में लंबे अरसे तक मौके के लिए तरस गया, लेकिन मौका मिलते ही साउथ अफ्रीका पर बुरी तरह बरस गया। 16 साल के इंतजार के बाद पहली T20 50 लगाई, बीच मझधार में फंसी टीम इंडिया को रोमांचक जीत दिलाई, जिसे जीतोड़ मेहनत और तपस्या का मिला इनाम। दिनेश कार्तिक है उस स्पेशल खिलाड़ी का नाम। जी, दिनेश कार्तिक उर्फ डीके, एक ऐसा बल्लेबाज जो टीम इंडिया में मौकों के लिए तरस गया था, जिसका करियर सभी क्रिकेट के पंडितों को खत्म लग रहा था, जिसने डेब्यू तो धोनी से पहले किया था, लेकिन धोनी के रिटायर होने के कई साल बाद भी वो खेल रहा है। दिनेश ने अपनी जीतोड़ मेहनत और तपस्या के बलबूते वो कर दिखाया जो क्रिकेट इतिहास में कोई बल्लेबाज नहीं कर पाया था। बिल्कुल सही सुना आपने, डेब्यू T20 के 16 साल बाद 50 लगाने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले बल्लेबाज बन गए हैं दिनेश कार्तिक। वो 16 साल बाद इसीलिए 50 लगा पाए क्योंकि अब उन्हें मौका मिला। इन 16 सालों में और मौके शायद मिलते तो डीके ये कारनामा पहले ही कर दिखाते। डीके ने भारत और साउथ अफ्रीका के बीच जारी 5 मैचों की T20 सीरीज में लंबे समय के बाद टीम इंडिया में वापसी की है, और वापसी के साथ ही उन्होंने तहलका मचा दिया। कार्तिक ने राजकोट T20 में टीम इंडिया के लिए शानदार प्रदर्शन करते हुए हाफ सेंचुरी लगाई। उन्होंने 27 गेंदों पर ताबड़तोड़ 55 रन ठोक दिए। कार्तिक T20 इंटरनेशनल मैचों में अर्धशतक लगाने वाले सबसे ज्यादा उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने 37 साल और 16 दिन की उम्र में हाफ सेंचुरी लगाई। इसके साथ साथ एक दिलचस्प तथ्य ये रहा कि कार्तिक ने अफ्रीकी टीम के खिलाफ ही पहला T20 इंटरनेशनल मैच खेला था, और उसी टीम के खिलाफ उन्होंने पहला T20 अर्धशतक लगाया। कार्तिक के प्रदर्शन की बदौलत भारत का स्कोर 169 रन तक जा पहुंचा। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया बीच के ओवरों में बुरी तरह फंसी थी। एक वक्त पर तो ऐसा लग रहा था कि शायद टीम इंडिया 120 या बमुश्किल 130 रन ही बना पाए। कप्तान पद के आउट हो जाने के बाद मैदान पर उतरे दिनेश कार्तिक ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से सारा माहौल ही बदल दिया, और लगभग नामुमकिन से दिख रहे स्कोर तक टीम इंडिया को पहुंचा दिया। डीके ने कितनी मुश्किल परिस्थितियों में बल्लेबाजी की, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पूरे मैच में वही इकलौते बल्लेबाज थे जिन्होंने अर्धशतक लगाया। विकेट बैटिंग के लिए इतना मुश्किल था कि साउथ अफ्रीका के भी बड़े से बड़े धुरंधर 87 रनों पर ही ऑल आउट हो गए। यहां तक कि भारत के भी बड़े बड़े शेर सस्ते में ढेर हो गए। सिर्फ हार्दिक पांड्या ही थे जिन्होंने 46 रन बनाकर कार्तिक का साथ दिया, लेकिन अर्धशतक वो भी नहीं लगा पाए। कार्तिक को उनकी शानदार बल्लेबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया। दिलचस्प बात यह है कि कार्तिक टीम इंडिया के लिए कई बार दमदार प्रदर्शन कर चुके हैं। वो पहले मैच में भी प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे, और 16 साल बाद अर्धशतक लगाकर एक बार फिर से प्लेयर ऑफ द मैच रहे। कार्तिक का T20 इंटरनेशनल में ये पहला अर्धशतक रहा। इससे पहले उनका T20 इंटरनेशनल में 48 रन सर्वश्रेष्ठ स्कोर था। उन्होंने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते हुए आज ये खास उपलब्धि हासिल की, और जिस तरह की वो बल्लेबाजी कर रहे हैं उसे देखकर तो यही लग रहा है कि अभी तो बस ये शुरुआत है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी साबित कर दिया है जो इंग्लिश में फ्रेज कहा जाता है, एज इज जस्ट अ नंबर, यानी उम्र का आंकड़ा तो महज एक नंबर है। आप मेहनत करते रहिए, आप अपने से बड़े उम्र वालों को भी पछाड़ सकते हैं। कार्तिक ने इसे साबित करके दिखाया है। स्पेशल डेस्क, अपना उत्तर प्रदेश। अगर आपको ये खबर पसंद आई है तो ऐसी और भी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ सबसे पहले खबरों के नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल बजाना बिल्कुल न भूलें। साथ ही खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। साथ ही साथ इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें।